नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करते हैं फ्रूट्स यानी फलों के बारे में। आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, खाने में हमेशा हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फलों का समावेश भी हमारे खाने में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इसको लेके मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि कौन से फल हमारे लिए बहुत अच्छे है या किन फलों को खाने से तकलीफ हो सकती है, फलों को दिन के कौन से समय में खाना चाहिए, अलग अलग फलों को अलग अलग लेना है या साथ में मिक्स करके ले सकते हैं, इसके जो फ्रूट जूसेस है या फिर मिल्क शेक है क्या इसे लिया जा सकता है, तो इन सभी बातों के बारे में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जानने की कोशिश इस वीडियो में करते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या बताया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद में आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने अपने अपने संहिताओं में फल वर्ग का यानी फलों का बहुत ही विस्तृत वर्णन हमें दिया है। फिर इन सभी प्रकार के ये जो फल है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है यानी इनके गुणधर्म क्या है, शरीर पर ये क्या क्या असर दिखाती है, किन अवस्थाओं में हमने इसे लेना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों में इसका क्या क्या इफ़ेक्ट हमें मिलता है, तो इन सब के बारे में वर्णन हमें मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छे फल यानी हमारे लिए बेस्ट फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उगने वाले यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास जो 50 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे उगने वाले जो फल है वो आपके लिए सबसे अच्छे है, इसे आयुर्वेद में देश सात में बताया है। अब आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो चीज़ें बहुत दूर से आती है या इम्पोर्ट की जाती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हम उसे इम्पोर्टेंट समझते हैं। अब अगर आप जैसे आप कश्मीर में या फिर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और वहाँ पे उगने वाले सेब आप खा रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन आप वहाँ से बहुत दूर कहीं रह रहे हैं और सिर्फ ये जो एप्पल है ये हमारे लिए हेल्दी है ये समझ के आप खा रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। दूसरा है ऋतु का विचार। तो जो फल जिस ऋतु में आते हैं उस ऋतु में यानी उस मौसम में जो क्लाइमेट है उसमें हमें हेल्दी रहने के लिए वो मदद करते हैं, लेकिन आजकल ये भी देखा जाता है कि कुछ फल सभी मौसम में आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा सोचकर फिर इसका आप चयन कर सकते हैं। तीसरा है प्रकृति का विचार। अलग अलग फलों को खाते समय खुद की प्रकृति का विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। खुद की प्रकृति कैसे पहचाने तो इस बारे में भी हमने वीडियो सीरीज़ बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे केला है या फिर सीताफल है ये कफ को बढ़ाता है, तो जिनकी कफ प्रकृति है या जिनके शरीर में कफ दोष ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो उन्होंने इन चीज़ों का इन फलों का खाने में समावेश नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, जिसकी वात पित्त प्रकृति है या जिनके शरीर में वात और पित्त दोष डोमिनेंट है तो उनके लिए फिर जैसे द्राक्षा या फिर मुनक्का है या फिर खजूर का जो फल है तो वो उनके खाने में वो लोग रख सकते हैं। तो इस तरह से प्रकृति के बारे में थोड़ा सा विचार करके भी फलों का जो सिलेक्शन है वो आप कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमेशा हमें पूरी तरह से पके हुए जो फल है वही खाने चाहिए, क्योंकि देखिए जो कच्चे फल है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है और पकने पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग है। जैसे अगर हम आम की बात लेते हैं, जो कच्चा आम है वो रक्त और पित्त को विकृत करने वाला है, पित्त को बढ़ाने वाला है, लेकिन जो पका हुआ आम है वो वात दोष को कम करता है, शरीर के बल को यानी ताकत को बढ़ाने वाला है, मांस धातु को बढ़ाने वाला है, शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो पके हुए फल का ही हमेशा इस्तेमाल करना है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी नारियल पानी बताया जाता है तो वो कच्चे नारियल का पानी लिया जाता है, तो नारियल का पानी अच्छा है लेकिन वो पके हुए नारियल का होना चाहिए। जब भी आप कच्चे नारियल का पानी लेते हैं तो ये अपक्व है, ये पचने में हेवी है, ये शरीर में आमदोष तैयार करता है। अब देखिए, अगर आपने एक आध बार ही इसको लिया तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बार बार इस तरह का पानी लेते हैं तो फिर ये आमदोष जो है वो आगे जाके कुछ बीमारियों को शरीर में उत्पन्न कर सकता है। आयुर्वेद में सिर्फ बेल के फल को कच्चा लेने के लिए बताया गया है, यहाँ तक कि जो बेल का मुरब्बा बनता है वो भी कच्चे बेल के फल से बनाया जाता है।
बीमारियों के अनुसार भी या आपकी शरीर की स्थिति के अनुसार भी आप फलों का चयन कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पित्त होता है या शरीर में बहुत थकान लगती है, भूख नहीं लगती, तो इस अवस्था में जो अनार है, खास करके जो मीठा अनार है, उसको खाने में आप ज़रूर समावेश कीजिए, तो ये सभी लक्षण जो है उसको कम करेगी। अगर किसी को पतले दस्त हो रहे हैं या फिर उल्टी हो रही है, तो वो भी कम करने की ताकत इसमें है। यहाँ तक कि जो आंवला है, ये भी उत्कृष्ट रसायन है, यानी ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, और आंवला जो है वो हमारे लिए देश साथ में भी है, तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आंवले का जैसे आप मुरब्बा है या फिर आंवले का शरबत है, कैंडी है, इस तरह से बना के रख सकते हैं और हमेशा इसका सेवन आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फल खाने का सबसे सही समय कौन सा है। तो देखिए, फल ऐसे समय पे खाइए ताकि आपका जो मेन मील टाइम है या फिर जो आपका लंच और डिनर का, यानी आपके खाना खाने का जो समय है, वो डिस्टर्ब ना हो, आपकी भूख डिस्टर्ब ना हो। जैसे आप सुबह 11 बजे अगर आप लंच लेते हैं और 7 से 7:30 बजे आप आपका डिनर लेते हैं, तो बीच के 3 बजे या 4 बजे आपको भूख लगेगी, उस समय आप फल ले सकते हैं, ताकि आपका जो ये दोनों मील टाइम है वो भी डिस्टर्ब नहीं रहेंगे और दोनों चीज़ों का डाइजेशन भी प्रॉपर होगा। अगर आप आपके खाने में अगर आप फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, तो हो सके तो थोड़ी क्वांटिटी में इसे इस्तेमाल कीजिए और इसे खाने के शुरुआत में लीजिए। ज़्यादातर फल जो है वो मीठे रस के हैं, और जो मधुर रस यानी मीठा रस है, उसे खाने के शुरुआत में लेने के लिए बताया गया है, तो इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद या फिर रात को हो सके तो फलों का सेवन ना करें। अब देखते हैं कि फल खाते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो फलों को लेते समय बहुत ही एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं लेना है, ताकि आप अगर इसे लिमिटेड लेते हैं तो इसका पचन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए, अब जैसे है संतरा है या फिर मौसम्बी है, तो हम 1 या 1.5 खा सकते हैं, या फिर अगर चीकू वगैरह है तो 1 से 2 फल भी आप खा सकते हैं। तो इतना जब लिया जाता है तो वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, आराम से इसका डाइजेशन हो जाता है। लेकिन फ्रूट्स अच्छे है ये समझ के अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में से लेते हैं, तो ये भी पचने में टाइम लगता है। इसके साथ ही जैसे आप फिर अनार खा रहे हैं, तो इसके दाने जो खाते हैं, उसके साथ उसकी जो बीज है, जो सीड है, उसको भी अच्छी तरह से चबा के खाना है। अगर आप फ्रूट्स के आप इसके जूसेस बना के लेते हैं, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि देखिए जब जूस बनाते हैं तो उसमें कम से कम 2, 3 या 4 भी फल डाले जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में फलों की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ तक कि ये जो जूसेस है वो पचने में भी हेवी है, इसको पचाने में शरीर को टाइम लगता है, इसमें शुगर भी पड़ती है। हमने इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आमतौर पर जो मिल्क शेक्स लिए जाते हैं, वो भी आयुर्वेद में विरुद्ध आहार में बताए हैं। आयुर्वेद में जो संयोग विरुद्ध बताए हैं, यानी जो कॉम्बिनेशन साथ में हमारे लिए सही नहीं है, तो इसमें कोई भी फल दूध के साथ हमें कभी नहीं लेने हैं, तो मिल्क शेक्स भी नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही जब आप अलग अलग फलों को एक साथ मिक्स करके लेते हैं, तो देखिए हर जो फल है उसके गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहती है, तो बेहतर ये है कि एक फल को एक समय पे खाया जाए। अगर आपको वैरायटी चाहिए, तो जैसे आपने आज एक फल खाया, दूसरे दिन दूसरा फल खाया, तो इस तरह से चेंज आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने फलों से संबंधित काफ़ी सारे सवालों के ऊपर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।